हाँ तो भैया, क्या चल रहा है? पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सुपर फोर्स के मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और आज पहला मैच था सुपर फोर का, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की और 194 का टारगेट पाकिस्तान को दिया। पिछले मैचेस की तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी क्लीन बोल्ड किया, सभी खिलाड़ियों को आउट किया, नेपाल को, इंडिया को और अब बांग्लादेश को, सभी खिलाड़ियों को भाई साहब 10 की 10 विकेट्स उड़ाई हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ने। ये पहली दफा हो रहा है कि यार हर मैच में ऑल टीम बुक कर रहे हैं पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं हमारे, और क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है हमारे बॉलर्स की, शाहीन की, हारिस रऊफ की, नसीम शाह की। आज के मैच में देखा जाए तो हारिस रऊफ जो है वो टॉप विकेट टेकर से हमारे, आज 4 विकेट्स लिए हैं, नसीम शाह ने 3 और शाहीन अफरीदी ने आज 1 विकेट लिए। हमारे चाचा जी ने भी आज 1 विकेट लिया भाई साहब, वो पार्ट टाइम बॉलर है हमारे, मगर आज 1 विकेट ले गए हैं। फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड खराब कर दिया चाचा जी ने, क्योंकि पिछले सभी मैचेस में हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो 10 की 10 विकेट्स ले रहे थे, हमारे जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, मगर इस दफा चाचा जी ने 1 विकेट लिया और हमारे फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड खराब कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, चाचा जी नेक्स्ट टाइम जरा एहतियात कीजिएगा यार, हमारे फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड चल रहा है तो जरा चलने दीजिए। आप अपने बीच में अपने रिकॉर्ड तो आप बना लेते हैं और दूसरों के रिकॉर्ड आप खराब करने में लगे हुए हैं। टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना। हारिस रऊफ वैसे भी पूरे टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर जा रहे हैं भाई साहब, 9 विकेट्स हैं पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, और सेकंड नंबर पर हमारे नसीम शाह हैं, उसकी 7 विकेट्स हैं, और उसके बाद शाहीन है, उसकी भी 7 विकेट्स हैं। तो पूरे टूर्नामेंट में 3 जो टॉप विकेट टेकर्स हैं वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी। और अभी मैचेस काफ़ी पड़े हैं, देखते हैं कोई आगे आता है या ये पीछे जाते हैं या ये टॉप पे रहते हैं, देखते क्या होगा। हारिस रऊफ वैसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इस दफ़ा इस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेक करेंगे, और अल्लाह करे भाई साहब जितनी वो आग फेंकते हैं ना अपनी बॉलिंग में, इसे टॉप करना चाहिए भाई साहब, इस दफ़ा इस टूर्नामेंट में टॉप करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे भाई साहब, फील्डिंग चौका रोकते रोकते अपना जो शोल्डर है वो इंजर्ड करवा बैठे, मगर खैर वो एक जवान है भाई साहब, पठान है ऊपर से, तो वो जल्दी तकरीबन कुछ ही टाइम बाद वो वापस फील्ड में आ गया, ओवर्स भी किए। आखिरी जो 3 आउट थे बांग्लादेश के वो भी नसीम शाह ने किए भाई साहब, नसीम शाह की हिम्मत को सलाम है मेरा भाई, इंजर्ड होने के बाद भी वो खेलता रहा। पहले भी उसे कुछ इंजरीज चल रही थी, मगर जो एक शोल्डर लगा ना उसके बाउंड्री पे चौका रोकते हुए, वो बड़ा जालिम लगा यार, वो वाकई पेन में था, उसके चेहरे से भी फील हो रहा था, वो काफ़ी देर तो वो उठा ही नहीं है, नीचे ग्राउंड से लेटा रहा नीचे। तो खैर हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं हारिस रऊफ, शाहीन शाह और शाहीन अफरीदी सॉरी, और हमारे जो नसीम शाह है, इन्हें एहतियात करनी चाहिए भाई, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और अभी इंडिया के साथ मैचेस भी हैं, इंशाल्लाह हमने फाइनल भी खेलना है एशिया कप का, तो ज़रा एहतियात करें, कोई इंजरी विंजरी ना करवा बैठना यार, हमारे टॉप विकेट टेकर्स हो यार, कोई इंजरी वगैरह ना करवा बैठना, आपकी मेहरबानी ज़रा एहतियात करें। और इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग थी भाई साहब, तो शुरू में वो लो लाइट्स का मसला निकला है, लाइट चल ही नहीं रही थी एक साइड वाली, बाकी सारी लाइट्स चल रही थी मगर एक साइड वाली जो लाइट है वो नहीं चल रही थी, तो इस पर हमारे पड़ोसियों ने काफ़ी हल्ला गुला किया है, काफ़ी टॉन्ट किए हैं पाकिस्तान को, यार आपकी लाइट नहीं चल रही है और आप एशिया कप को होस्ट कर रहे हो, तो खैर ये एक चीज़ तो है कि लाइट चलनी चाहिए थी, टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी थी होता है यार, सभी कंट्रीज़ में होता है, इंडिया में भी 3-4 दफ़ा हो चुका है, उनके IPL में हो चुका है, और T20 वर्ल्ड कप चल रहा था भाई, ICC का इवेंट था, बिगर इवेंट था एशिया कप से, उसमें हुआ था बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में कोलकाता में लाइटिंग का मसला आ रहा था, उनकी भी लाइट्स बंद हो गई, तो ये कोई इशू नहीं है यार, तो होता रहता है, हर कंट्री में होता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, क्रिकेट में चलता है इस तरह, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हो जाता है, आप सिर्फ फोकस करें अगले मैच पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच आ रहा है ना उस पर फोकस करो, ये छोटे लाइटिंग वाइटिंग के मसले मसाइल है ना वो हम झेल रहे हैं भाई पहले ही। जितनी यूनिट सड़ी हुई बाकी तो सारी रात है नहीं, 300 की नहीं तो रात 11 बजे तक बिजली का तो सारा ज्यादा रेट लाया, क्यों? व्हाट इज दिस? और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यार एशिया कप पूरा का पूरा जो है वो कोलंबो में बारिशें हो रही हैं, एक इंसान की ड्यूटी थी कि आपने सिर्फ शेड्यूल बनाना है, वेन्यू सिलेक्ट करने, कहां कहां मैच होंगे, इतना पैसा भी लिया मगर यार वो काम भी चजका नहीं करके गया, सारे स्विमिंग पूल्स में हमारे मैच रखे हुए, उसने क्या मैच यहां पर क्या खाक होंगे, प्लेयरों को क्रिकेट बैट की बजाय हम तैराकी सिखा देते हैं, स्विमिंग करेंगे वहां पे ग्राउंड्स में, कोलंबो के ग्राउंड्स में अभी भी पानी खड़ा हुआ यार, वहाँ पे कोई प्लेयर्स प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, तो मैच कैसे होगा यार, मैं तो हैरान हूँ। चलो वो खैर अभी 3-4 दिन हैं, देखते हैं क्या होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच में, उम्मीद करते हैं कि यार ये बारिश वगैरह थोड़ा सिलसिला रुके, जय शाह को तो शर्म आनी नहीं, मगर हो सकता है कोई बारिश वगैरह ना हो और मौसम थोड़ा अच्छा हो तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच जो है वो अच्छा हो, कांटेदार हो, पूरा मैच हो, देखने के मजा है, हार जीत वो जो मर्जी करे, मगर
मैच पूरा हो। तो यार पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच था, पाकिस्तान ये मैच जीत गया और इजीली जीत गया, 40 ओवरों में चेज कर लिया। बांग्लादेश ने भी ऑलमोस्ट 39 ओवर्स में 193 किया था, पाकिस्तान ने भी 39 ओवर्स में ये स्कोर चेज किया। इमामुल हक ने 78 किया और रिजवान की भी 50 है, तकरीबन 60 प्लस स्कोर किया रिजवान ने। फिर से वही मसला है, मैं पिछले वीडियोस में भी कहता रहा हूँ कि यार हमारा फखर जमान नहीं चल रहा, हमारा फौजी जवान है वो नहीं चल रहा यार, उसका पता नहीं क्या सीन चल रहा है, वो फॉर्म में वापस नहीं आ रहा है। बाबर भाई हमारे आज जल्दी आउट हो गए, मगर खैर वो बाबर भाई यार 2007 में बाबर भाई एज अ बॉल कीपर थे और आज बाबर भाई उसी ग्राउंड में इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आज भी कोई एक दो रिकॉर्ड बाबर भाई ने बनाए हैं, कोई एक दो रिकॉर्ड तोड़ा भी है, तो ये डेली की रूटीन है बाबर भाई की, माशाल्लाह ये चीज़ें चलती रहती है। हमारे शाहीन भी आईसीसी की जो रैंकिंग होती है ना भाई साहब, टॉप 5 विकेट टेकर्स, उनमें 5वें नंबर पर आ गए हैं हमारे शाहीन, और उम्मीद है इस टूर्नामेंट के बाद कोई पहली दूसरी या तीसरी पोजीशन पे इंशाल्लाह हमारे शाहीन भाई भी होंगे। हारिस रऊफ भाई भी पीछे पीछे हैं। आज के मैच में अगर देखा जाए तो बाबर आजम की कैप्टेंसी भाई अप लेवल की थी। जो पिछले मैच में बाबर आजम ने एक दो गलतियां की थी ना, इंडिया के खिलाफ के स्पिनर्स को ओवर्स दिए, स्पिनर्स ने स्कोर खाया, वो इस मैच में वो गलतियां नज़र नहीं आई हैं। ये एक अच्छे प्लेयर्स की निशानी होती है भाई, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और वो बाबर भाई में एक ही अच्छी खूबी है, बाबर भाई सीखते हैं, गलतियां करते भी हैं तो वो सीखते हैं, और आज वही गलतियां बाबर भाई ने दोहराई नहीं है। फास्ट बॉलर्स को ओवर्स जो है वो अर्ली दिए गए, इस वजह से फिर बांग्लादेश की टीम है जो वो अर्ली आउट होगी, ऑल टीम जो 10 के 10 खिलाड़ी हैं वो आउट हो गए। तो ये थी आज की मैच की समरी, और बाकी यार जो लोग ये लाइटिंग वाइटिंग पे टाउंट कस रहे हैं ना पाकिस्तान को, पहले ज़रा अपने लाइटिंग वाइटिंग देख लो भाई, हर मैच में होता है, हर कंट्री में ये चीज़ होती है। एक तो हमें एशिया कप की होस्टिंग मिलकर भी हमें वो राइट्स नहीं मिले कि हम अपनी सिलेक्शन कर सके कि मैच कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है वो भी सारे ऊपर से ही सारी सिलेक्शंस हो रही हैं भाई साहब कि यहाँ मैचेस होंगे यहाँ होंगे, इतनी सारी ज्यादतियाँ हो रही हैं पीसीबी के साथ, तो खैर ये लाइटिंग बैटिंग चलती रहती है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो हर मैचेस में होते हैं, हर कंट्री में हो जाते हैं। तो खैर पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का जो नेक्स्ट मैच है 10 तारीख को है, बारिश वैसे बताई हुई है, उम्मीद तो है कि यार बारिश ना हो, मगर जो है वेदर फोरकास्ट में बारिश बताई हुई है कि बारिश होगी, मगर यार बारिश हुई ना और ये मैच वेस्ट हो गया तो जय शाह को पार लंबे लेना क्यों? तो खैर आज का मैच बड़ा ही अच्छा मैच हुआ यार, एक चेंजिंग की थी पाकिस्तान ने, मोहम्मद नवाज की जगह फहीम अशरफ को खिलाया था और फहीम अशरफ ने एक विकेट लिया भाई साहब। बांग्लादेश की जो पार्टनरशिप बड़ी पार्टनरशिप लगी हुई थी ना, उस पार्टनरशिप को फहीम अशरफ ने तोड़ा आकर, तो ये एक अच्छा डिसीजन था, फहीम अशरफ ने स्कोर भी कम खाया है। देखते हैं अगले मैचेस में अब फहीम अशरफ को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, या नवाज को लेकर आते हैं या क्या करते हैं, वो नेक्स्ट मैचेस में देखना पड़ेगा। अगला मैच भी बड़ा है, उसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो हमारे स्पिनर्स नहीं चल रहे, शदाब भी नहीं चला, आगा भी नहीं चला, नवाज भी नहीं चला पिछले दो मैचेस में, तो स्पिनर्स के साथ पता नहीं क्या हो रहा है भाई साहब, सारी की सारी विकेट जो है वो हमारे फास्ट बॉलर्स ही ले रहे हैं। तो हमारे फास्ट बॉलर्स को, हारिस रऊफ को, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह को मेरी तरफ से चुम्मा है भाई साहब, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना भाई साहब, दिल जीत लिया हमारा पाकिस्तानियों का। तो खैर अल्लाह ताला उन्हें बुरी नज़रों से बचाए, आज भी मुझे लगता है वो नज़र लगी थी नसीम शाह को, जो वो इंजरी हो गई है, लड़कियां भी फिदा है नसीम शाह पर। नसीम भाई अपना सदका वगैरह दो, नज़र वगैरह से बचोगे ठीक है, और यार इंजर्ड नहीं होना किसी भी फास्ट बॉलर ने, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और हमने इंशाल्लाह एशिया कप का फाइनल भी खेला। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है मगर इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।